Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 C Programming, subject code 202. Array. An array is a variable that can be stored multiple values of the same data type in a continuous memory location. Friends, array जो है एक variable है जो कि store कर सकता है multiple value same data type की और वो continuous memory location में. An array cannot contain dissimilar type of data एज इट इज डिजाइन टू स्टोर ए होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. एरे जो होता है वो सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है. जो डिसिमिलर डेटा टाइप हुए उनको वो स्टोर करने में अनेबल है और ये सिर्फ होमोजीनियस डेटा कलेक्शन को स्टोर कर सकता है. द साइज ऑफ द एरे इंडेक्स इज ऑलवेज 0 to n-1 वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे. जो साइज होता है एरे इंडेक्स का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n माइनस 1 तक जाता है. n का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे. एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप. एरे जो है एक कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा टाइप का, मतलब कि जो एलिमेंट्स होंगे एरे के वो सभी सेम डेटा टाइप के होंगे. ईच डेटा आइटम इन द एरे इज कॉल्ड एलिमेंट एंड इट कैन बी ऑफ एनी वैलिड डेटा टाइप सच एज कैर इंट एंड फ्लोट. जो भी डेटा एरे के अंदर होगा उसको एलिमेंट कहा जाता है और जैसे वो होगा जैसे कि कैर इंट और फ्लोट. रेगुलर वेरिएबल आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम वाइल एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप. फ्रेंड्स, जो रेगुलर वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ कैपेबल होते हैं स्टोर करने के वन वैल्यू एट ए टाइम, बट जो एरे होता है वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है सेम टाइम पर. अब एक एग्जांपल है. कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन वी वांट टू स्टोर एंड डिस्प्ले द एज ऑफ 100 एम्प्लॉय. देन वी डिक्लेयर 100 डिफरेंट वेरिएबल टू स्टोर द एज ऑफ 100 एम्प्लॉयज. असाइन ए वैल्यू टू ईच टेबल एंड डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल. दिस इज पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट एंड मोर लेंथ. मानिए आपको जो है एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको 100 एम्प्लॉय का जो है एज डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आप 100 जगह अलग अलग आप असाइन करेंगे. ये जो है पॉसिबल तो है पर लेंदी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व होने में. अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं एरे की यूज करके. इसका सिंटैक्स है फ्रेंड्स, सिंटैक्स हुआ इंट एज 100. एज 0 से स्टार्ट होगी, जैसे कि 0 से स्टार्ट होके एन माइनस 1 तक जाएगी. तो एन माइनस 1 क्या हुआ, एन हुआ हमारा 100 और माइनस 1 होके 99. तो एज हमारी 0 से स्टार्ट होकर एज 99 तक गई. अब जैसा कि हमने यहाँ पे शो कराया फ्रेंड्स, 100 इंटू 2 200 बाइट्स एंड 100 इंटू 4 इंटू 400 बाइट्स. ये डिपेंड है ऑन डिफरेंट डिवाइसेस पर आपका जो है कंपाइलर कितने बाइट्स कंज्यूम करता है. तो अगर आपके जो है 100 एम्प्लॉय की एज आपको प्रिंट करानी है तो आपको 200 बाइट्स की ज़रूरत होगी और हो सकता है 400 बाइट्स की ज़रूरत हो. अब इसका जो है हमने इंट एज 100 करा तो इसमें एज हुआ कैर, मतलब डेटा टाइप हुआ इंटीजर. सेकंड हुआ इसमें एरे नेम, क्या नेम हमने रखा. उसके बाद हमारा हुआ साइज, हमें साइज कितना रखना है. तो जितना भी हम इसमें साइज डालेंगे उतना स्पेस क्रिएट हो जाएगा हमारा एरे में. अब हमने 100 डाला तो 100 हमारा क्रिएट हो गया. इफ़ यू वांट टू प्रिंट द एज ऑफ 100 एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द एरे सिंटैक्स, ये आपके सामने सिंटैक्स है. अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या सिंटैक्स होता है एरे का. टाइप्स ऑफ एरे, 1D एरे, 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. ए 1D एरे इज लाइक ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप. 1D एरे जो है एक लिस्ट की तरह होता है जो कि वैल्यूज होती हैं सेम डेटा टाइप. ईच एलिमेंट इन ए 1D एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स और पोजिशन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट. फ्रेंड्स, जो 1D एरे होता है इसमें एलिमेंट जो है एक्सेस जो करा जाएगा वो इंडेक्स या पोजिशन नंबर से एक्सेस किया जाता है और जो ये स्टार्ट होता है 0 से होता है, 1 से नहीं होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है. एग्जाम्पल ऑफ 1D एरे इंक्लूड एन एरे ऑफ इंटीजर और एन एरे ऑफ स्ट्रिंग. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इंटीजर ए 6, इसमें 6 हैं और जो 6 चालू हुए हैं हमारे 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए 5 तक आया है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके. तो ये इनका जो है इंडेक्स नंबर हुए. तो 0 पर जो हमारी वैल्यू है जो भी हमें सेव करना है तो हम 0 करेंगे और जो फ्रेंड्स
वन डी एरे होता है उसको वेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इंटीजर 6 की जगह हम यहाँ पर 10 करते तो हमारे 0 से स्टार्ट होकर ये 9 तक जाता। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 2D एरे। ए 2D एरे इज लाइक ए टेबल विद रो एंड कॉलम। फ्रेंड्स, 2D एरे जो होता है इसमें रो और कॉलम दोनों चीज प्रेजेंट होती हैं। ईच एलिमेंट इन 2D एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग 2 इंडिकेट्स, वन फॉर द रो एंड अनदर फॉर द कॉलम। फ्रेंड्स, जो हर एक एलिमेंट हैं 2D एरे के वो एक्सेस करे जाते हैं 2 इंडिकेट्स से। जैसे कि हमने फर्स्ट 1D एरे में देखा था सिर्फ एक ही इंडिकेट था उसमें, पर इसमें 2 होंगे, एक होगा रो के लिए एक होगा कॉलम के लिए। तो हम इस एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें हमारा है इंटीजर ए 2, 3। अब इसमें हमें टेबल क्रिएट हुई 2x3। 2x3 की आप जैसा कि हम जानते हैं एरे में कोई भी पोजीशन जो चालू होती है वो 0 से होती है, तो 2 की होनी है तो 0 एंड 1 तक जाएगी, और 3 की क्रिएट होनी है तो 0, 1, 2, तो ये 3 हुआ। अब इसका अगर कोई भी हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, कहीं पर हमें स्पेसिफिक एड्रेस करना है, तो इसका कैसे होगा? अब इसके जो है इंडेक्सिंग नंबर होता है, जैसे कि 0, 0, 0 by 1, 0 by 2। सेकेंड हुआ इसका 1 by 0, 1 by 1, 1 by 2। बिना नंबर के डायरेक्ट स्पेसिफिक जगह पर आप कहीं का भी डेटा एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते और ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। और अगर ये हमारा 3x4 का होता तो हमारी टेबल कितने की होती? 3x4 की, तो वो होती 0, 1, 2 और 0, 1, 2, 3 तक। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इतनी समझ में आया होगा। 2-dimensional array आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग एंड दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मैनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C, C++, जावा एंड पाइथन। फ्रेंड्स, 2-dimensional array जो है वाइडली यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस में और प्रोग्रामिंग में, और ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होते हैं जैसे कि C, C++, जावा एंड पाइथन। 2-dimensional array को फ्रेंड्स 2D array के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे। ए मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरे वेयर ईच एलिमेंट इन द एरे इज इट्सेल्फ एन एरे। 2-dimensional array इज ए स्पेशल केस ऑफ ए मल्टी डायमेंशनल एरे वेयर द एलिमेंट आर अरेंज इन रो एंड कॉलम। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सच एज मैट्रिक्स, टेबल एंड क्यूज। मल्टी डायमेंशनल एरे का जो यूज होता है फ्रेंड्स वो कॉम्प्लेक्स डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जैसे कि मैट्रिक्सेस, टेबल एंड क्यूब्स। एलिमेंट इन ए मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग मल्टीपल इंडिकेट्स, वन फॉर ईच डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, ए 2D एरे इज एक्सेस यूजिंग रो एंड कॉलम। व्हेन ए मल्टी डायमेंशनल एरे इज स्टोर्ड इन मेमोरी द एलिमेंट आर अरेंज आइदर इन ए रो ऑर्डर और ए कॉलम मेजर ऑर्डर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और आप हमें Facebook, Instagram, Pinterest पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।